नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त की, कंगना का ऑफिस टूट चुका है। जी हां, जिसकी हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, जिसको लेकर के बीएमसी लगातार प्रयास कर रही थी कि ऐसा ही करना है, नोटिस चस्पा किया, कंगना की तरफ से जवाब नहीं आता है तो बीएमसी ने तोड़ना शुरू कर दिया। हमने आपको पहले भी बताया था कि जेसीबी वहां पर लेकर वो गए हैं, हथौड़े लेकर गए हैं बड़े बड़े, और कर्मचारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो आप मेरे साथ तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त पे, ये मोहर लगाती है इस बात पे कि बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंगना इस वक्त पे मुंबई में नहीं थी जिस वक्त पे ये पूरा का पूरा कांड हुआ है, और इसके साथ साथ अब ये बात साफ हो जाती है कि ये कितनी डेस्परेट थी बीएमसी इसको लेकर के, कि वो एक संदेश पहुंचाना चाहती थी। मैं आपको कंगना ने जो इस पर प्रतिक्रिया दी है इस तस्वीर को देखने के बाद, निश्चित तौर पर उनके जो टीम के लोग होंगे वो उन्हें हर अपडेट दे रहे होंगे, लेकिन कंगना ने इसको लेकर के क्या ट्वीट किया है सबसे पहले आपको वो बताता हूं। आई एम नेवर रॉन्ग एंड माई एनिमीज प्रूव अगेन एंड अगेन, दिस इज वाई माई मुंबई इज POK नाउ। एक बार फिर उन्होंने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम लिया है। कभी वो मुंबई को सीधे पाकिस्तान कहती है, कभी मिनी पाकिस्तान कहती है, कभी POK कहती है, इस बार उन्होंने POK बताकर इसे टारगेट किया है। तस्वीर साफ तौर पर आपको बता रही है कि कैसे दो कर्मचारी जो है बीएमसी के, वो हथौड़ा लेकर उस दीवार पर वार कर रहे हैं जिस दीवार को लेकर आपत्ति थी बीएमसी को, जिस दीवार को लेकर बीएमसी ने बार बार ये कहा कि ये जो है ये अनऑथराइज्ड है, इसको लेकर के हमें दिक्कत है, कंगना ने ये गलत तरीके से इसका निर्माण कराया है। तो ये सारी की सारी चीजें अब साफ निकल कर आ रही हैं कि बीएमसी कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, कंगना को एक मैसेज देने के लिए, साथ ही साथ मुंबई में बैठी हर उस लड़की, हर उस लड़के को मैसेज देने के लिए कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे, हमारी पुलिस के खिलाफ कुछ बोलोगे, हमारे सिस्टम में दिखाओगे कि इतने छेद हैं, तो फिर हम आपके घरों की दीवारें तोड़नी शुरू कर देंगे, आपके दफ्तर की दीवारें तोड़नी शुरू कर देंगे। यही एक मैसेज प्रोवोक करने की कोशिश की गई है। कंगना से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताजा तस्वीरें इस वक्त पे आपके सामने है।